धर्म प्रेमी भाइयों एवं सुशील बहनों, कहते हैं निशाने पे लगे उसे तीर कहते हैं, निशाने पे लगे उसे तीर कहते हैं, साहस से जिए उसे वीर कहते हैं, साहस से जिए उसे वीर कहते हैं। मिटा दे जो दुख दर्द दुनिया से, मिटा दे जो दुख दर्द दुनिया से, उन्हें वीर नहीं महावीर कहते हैं, उन्हें वीर नहीं महावीर कहते हैं। इस तरह से प्रभु महावीर ने इस दुनिया से दुख दर्द मिटाने के लिए हमारे सामने बहुत सुंदर सुंदर बातें अपने अंतिम उपदेश उत्तराध्याय सूत्र के माध्यम से रखी है, और जाते जाते खजाने के रूप में हमें उत्तराध्याय सूत्र को देकर गए हैं। उत्तराध्याय सूत्र में पहला ही अक्षर क्या है? उत्तर। जिस सूत्र में हमारे हर सवाल का उत्तर मिलता है, उत्तर मिलता है, जवाब मिलता है। हमारे कोई भी समस्या हमारे जीवन में हो, अगर हम गहराई के साथ उत्तराध्याय सूत्र का अध्ययन करें तो हमें इतनी सारी बातें पता चलती है, और उससे हमारे जीवन में जो समस्या है उसका सभी का समाधान हो जाता है। उत्तराध्याय सूत्र में कथाएं भी हैं, इसमें वैराग्य की बातें भी है, कर्म संबंधी बातें हैं, लेशा बताई गई है, जीव सृष्टि अजीव सृष्टि सारा वर्णन इस हमारे उत्तराध्याय सूत्र में आता है। इसको तो कितनी भी बार पढ़ो आप उसकी गहराई में चले जाओगे, क्योंकि ये उत्तराध्याय सूत्र एक खजाना है। और जैसे सागर की अतल गहराई में हीरे माणिक मोती का खजाना बिखरा हुआ होता है, और जो व्यक्ति उसको प्राप्त करना चाहता है उसको उसमें क्या लेनी पड़ती है? डुबकी लेनी पड़ती है। ऐसे उत्तराध्याय सूत्र के भीतर अगर हम जितनी गहराई में जाते हैं तो वहाँ से हमें तत्व ज्ञान के मोती, हीरे जवाहरात एक से बढ़कर एक मिलते जाते हैं। और आज हमारे सामने आया है तीसरा अध्याय, उत्तराध्याय सूत्र के तीसरे अध्ययन का नाम है चतुरंगीय, जिसमें चार अंग का वर्णन पहली ही गाथा में बताया गया है। कहा गया है चतारी पर मंगाणी दुल्लहाणी अजंतुणो मानुसतम सुई सदा संजमम्मीय वीर्यम। चतारी परमंगाणी, चार दुर्लभ अंग इस जीव को प्राप्त करने के लिए बहुत दुर्लभ है। चतारी परमंगाणी दुल्लहाणी ह जंतुणो, हर मनुष्य को ये चार तत्व प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ है। उसमें सबसे पहला कौन सा है? मानुसत्तम मनुष्यत्व। दूसरा है सुई यानी श्रुति, तीसरा है श्रद्धा, और चौथा है संयममीय वीर्यम, संयम में पुरुषार्थ करना। हम लोग देखते हैं कि मानव जन्म जो है ये 84 लाख जीव योनियों में सबसे श्रेष्ठ जन्म है। ये मानव का शरीर मिलना अत्यंत दुर्लभ है। अत्यंत पुण्य कर्म का जब उदय होता है तब जाके हमें मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है। शास्त्र की भाषा में कहा जाता है कि मोहनीय कर्म की स्थिति 70 कोड़ाकोड़ी सागरोपम है। उस 70 कोड़ाकोड़ी सागरोपम में से उन 70 कोड़ाकोड़ी सागरोपम मोह कर्म का जब क्षय होता है तब जाके मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है, यानी मनुष्य जन्म इतना श्रेष्ठ है। परंतु आप कहेंगे मार साहब आजकल तो बर्थ कंट्रोल करना पड़ रहा है, मानव की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, फिर मनुष्य जन्म मिलना कैसे दुर्लभ है? तो भगवान ने कहा कि मनुष्य जन्म मिलना तो दुर्लभ है ही, पर उसके साथ मनुष्यत्व मिलना उससे ज़्यादा दुर्लभ है। मनुष्य जन्म मिलना अगर सोने जैसा है तो मनुष्यत्व मिलना, मानवता मिलना उसमें सोने में सुगंध मिलने जैसा है।
कि कहा जाता है आकृति से बहुत लोग मनुष्य बन जाते हैं पर प्रकृति से मनुष्य बनना बहुत दुर्लभ होता है, क्योंकि हम देखते हैं आजकल पदार्थवादी मनोवृत्ति बढ़ रही है, सत्ता का संपत्ति का आकर्षण बढ़ रहा है और मनुष्य क्या कर रहा है, मनुष्य को दो नंबर पर रख रहा है, मनुष्य की हत्या करने में भी दूसरे मनुष्य को तकलीफ होती नहीं है, देखते देखते मनुष्य की हत्या कर देता है, किसके लिए, सत्ता पाने के लिए, प्रॉपर्टी पाने के लिए। और लोग मनुष्य का जन्म धारण करते हैं पर कुछ कुछ लोग मनुष्य का जन्म धारण करके उनके भीतर क्या होती है, दानव वृत्ति होती है, मनुष्य का जन्म तो ले लेते हैं पर आगे जाके कौन बन जाते हैं, आतंकवादी बन जाते हैं, दहशतवादी बन जाते हैं, आगे जाके मानव बम बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, मानव बम बन जाते हैं, खुद भी मरते हैं और दूसरों को भी मार देते हैं। इस तरह से मनुष्य का इतना श्रेष्ठ जन्म प्राप्त किया पर खुद भी मरते हैं और दूसरों को भी मारने का कार्य करते हैं, तो इनका मनुष्य जन्म क्या हो गया, इनको तो इतना सुंदर मनुष्य जन्म मिला पर उन्होंने क्या कर दिया, मानवता की जगह दानवता को अपनाया और मनुष्य जन्म को व्यर्थ गवा दिया। कुछ कुछ लोग मानव जीवन को प्राप्त करके पशु जैसा जीवन जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं और व्यसन में पड़ जाते हैं, व्यसनों में अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं और स्वयं भी दुखी होते हैं और घर वालों को भी क्या करते रहते हैं, दुखी करते हैं, ऐसे भी लोग दुनिया में होते हैं। परंतु कुछ कुछ लोग मनुष्य का जन्म धारण करते हैं और उनको क्या मिल जाती है, उसमें मानवता मिलती है, क्योंकि मानवता ही मानव का लक्षण है, मानव की पूजा कौन करे, मानवता पूजी जाती है, साधक की पूजा कौन करे, साधकता पूजी जाती है। मानव की कोई पूजा नहीं करता है परंतु उसके भीतर जो उसका हृदय धड़कता है और उस धड़कने वाले हृदय में जो उसकी मानवता होती है, जो दूसरे के दुख को देखकर उसका हृदय पसीजता है, उसे ही सच्चा मानव कहा जाता है। जो दूसरे के दुख दर्द को देख के आगे बढ़ जाता है वो मानव के रूप में क्या कहलाता है, दानव कहलाता है, शैतान कहलाता है, वह मानव नहीं होता है। वह मनुज क्या जो पड़े दुख न जाने, वह मनुज क्या जो पर दुख न जाने, रहे अपनी मस्ती में, रहे अपनी मस्ती में, किसी की न माने, वह मनुष्य क्या जो पर दुख न जाने, बोलो वह मनुज क्या जो पर दुख न जाने, स्वार्थ अपना सीखे सुख अपना चाहे, प्यास पास फिर भी चले अपनी राह, आए सुने ना सुनकर, आए सुने ना सुनकर छेड़े तराने, वह मनुज क्या जो पर दुख न जाने, वह मनुज क्या जो पर दुख न जाने। जिसकी
संवेदना जागृत होती है, जिसकी मानवता जागृत होती है वही आगे वाले का दुख दर्द जब देखता है तो उसको क्या होता है, इसका मैं कुछ उपाय करूँ, इसको कुछ मैं सहायता करूँ, इसको कुछ मैं मदद करूँ। और आज की दुनिया में चैरिटी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। जब जब भी मानव जाति पे संकट आता है बहुत सारे लोग दुख दर्द दूर करने के लिए खड़े हो जाते हैं। जब जब भी महामारी आती है तो बहुत सारे लोग दान धर्म में लग जाते हैं कि हमारे पास है तो हम उसका क्या करें, सदुपयोग करें। और वही सच्चे अर्थ में क्या कहलाते हैं, मानव कहलाते हैं। एक बहन थी, बहुत गरीब थी, और उसका बच्चा क्या हो गया, उसको एकाएक एक ही लड़का था, बाकी परिवार में बहुत सारे लोग थे पर घर में कमाने वाला एक ही लड़का था। वो लड़का देखता कि अरे मेरा घर मेरे ऊपर निर्भर है तो मुझे दिन भर क्या करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, श्रम करना चाहिए, कमाई करनी चाहिए। वो दिन भर क्या करता, बाहर जाता, मेहनत करता, कमाई करता, दिन भर जितने पैसे मिलते वो घर पे लाता। और वो जब घर पे पैसा लाता तो सारे घर के लोग क्या करते, खाना खाते। पर अब ये क्या करता, इतनी मेहनत करता पर उसके बदले में उसे बहुत कम पैसे मिलते। और एक दिन उसने क्या हो गया, मेहनत करते करते वो बीमार हो गया, काम पे नहीं जा सका और उसके घर में खाने को कुछ भी नहीं था। एक दिन ऐसा ही गया, दूसरा दिन भी आया, दूसरे दिन भी वो कमाई के लिए जा नहीं सका और वो बीमार हो गया, तीसरे दिन भी नहीं जा सका। तो माँ ने देखा कि एकाएक बेटा है, कमाने वाला एकाएक है, अगर इसको कुछ हो गया तो हमारा आगे क्या होगा। तो उसने कहा कि मुझे कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ेगा। पड़ोस वाले लोग आए, पड़ोसी ने देखा कि बेटा बीमार पड़ा है तो एक ने सलाह दे दी। हमारे यहाँ बिना पूछे सलाह देने वाले बहुत लोग होते, सहायता नहीं करते पर सलाह तो जरूर दे देते हैं। वो बहन आई बाजू वाली, उसने कहा कि बहन तुम्हारा बेटा 3 दिन से बीमार है, उसको क्या करना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वो बहन समझती है कि मुझे इसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए पर मेरे पास कुछ फीस हो देने के लिए तो मैं डॉक्टर को दिखाऊं, इसके मेरे पास तो कोई पैसा ही नहीं है। परंतु बहन ने क्या सलाह दे दी कि इसको क्या कर, डॉक्टर को दिखा। दूसरी आई, उसने कहा इसको बादाम का हलवा खिला, थोड़ी इसको क्या हो जाएगी, ताकत आ जाएगी। तीसरी आई, उसने कहा इसको क्या कर, खीर खिला, थोड़ी दूध की खीर खिला तो इसमें थोड़ा सा ताकत का संचार हो जाएगा। बहन ने कहा कि तुम बहुत सलाह दे रही हो पर किसी ने कुछ भी लाके वहाँ पे दिया नहीं। आखिर उस बहन ने सोचा कि सलाह देने वाले बहुत हैं पर सहयोग देने वाला कोई नहीं है, आखिर मेरे घर की परेशानी मुझे ही दूर करनी चाहिए। तो उसके गले में एक पोत थी और उसमें इतना सा सोने का पत्रा था, वो लेके वो डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर को कहा कि कृपा करो और मेरे घर पे पधारो, मेरे बच्चे को देखो और मेरे बच्चे की बीमारी को दूर करो, मेरा एकाएक बेटा है वो अगर चला गया तो मैं क्या करूँगी। डॉक्टर भी बहुत करुणा से भरे हुए थे, वो घर पे आए और घर पे आने के बाद उन्होंने घर का वातावरण देखा तो समझ गए कि तन की अपेक्षा से मन की बीमारी इनको है, इसके शरीर में भूख है और सबसे ज़्यादा बीमारी कौन सी है, गरीबी की बीमारी है। तो डॉक्टर ने देखा, कुछ दवाइयाँ लिख के दी, क्योंकि डॉक्टर आए हैं तो दवाइयाँ कुछ दे तो ही पता चलता है कि डॉक्टर ने हमें ठीक होने के लिए कुछ दिया है। तो डॉक्टर ने कुछ दवाई लिख के दी और साथ में अपने जेब में हाथ डाला और जेब में जितने पैसे थे वो सारे पैसे निकाले और उस लड़के के हाथ में दे दिए। वो 1700 रुपये थे, उस समय की बात है, 1700 रुपये थे, सारे पैसे उस बच्चे के हाथ में दे दिए। कहा दवाई तो आप इससे मंगाओ ही, कुछ खाने का मंगाओ और साथ में ये पैसे ले लो, ये आपको सबसे ज़्यादा काम आने वाले हैं। और वो पैसे को जब उस लड़के ने देखा
तो उसके भीतर भी क्या हो गया, चमक आ गई, आशा का संचार हुआ। और उसने क्या किया, उसकी माँ ने उसको दवाई लाके दी, थोड़ा सा खाने का लाके दिया, और वो तो एकदम क्या हो गया, तरोताज़ा हो गया। और हाथ में पैसे आए हुए थे, और वो पैसे से उसने क्या किया, थोड़ा ठीक होने के बाद व्यापार चालू किया। और देखो, किसी के हाथ से पैसे मिलते हैं तो व्यापार में भी तेजी आ जाती है। और उस डॉक्टर ने जो पैसे दिए उससे उसने व्यापार किया, और उसके व्यापार को ऐसी बढ़ती लगी कि वो लखपति बन गया। परंतु लखपति बनने के बाद उसने कहा कि वो डॉक्टर के मेरे ऊपर क्या है, उपकार है, पहले उनके पास जाऊंगा। और वो 50,000 रुपये लेके डॉक्टर के पास गया, और डॉक्टर को कहा कि डॉक्टर साहब, आप मानव नहीं महामानव हो, और आपने आपकी मानवता जिंदा रखते हुए उस समय मुझे कितने रुपए दिए, 1700 रुपये दिए। और वो 1700 रुपये ने मेरे जीवन में क्या कर दिया, चमत्कार कर दिया, और आज मैं लखपति बन गया। पर मैं आपको अपना उसका मुबदला देना चाहता हूँ। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं मानवता की सौदेबाजी नहीं करना चाहता, वो तो मेरे भीतर मानवता थी, और उसके बदले में मैंने तुमको पैसा दिया, उसके बदले में मैं कुछ भी तुमसे लेने वाला नहीं हूँ। पर तुमको जरूर एक शिक्षा दूंगा कि तुम्हारे जीवन में अगर ऐसे कोई ज़रूरतमंद, जिनकी तकलीफ है, कमज़ोर हालत वाले है, अगर वो मिल जाए तो तुम उनकी क्या करना, मदद करना, दीप से दीप जलाना। और इस तरह से संदेश दिया, और वो व्यक्ति तो क्या हो गया, मानवता के क्षेत्र में आगे बढ़ गया। और वो डॉक्टर जाने माने डॉक्टर गोल्ड स्मिथ थे, उन्होंने इस तरह से एक व्यक्ति को जीवन में खड़ा कर दिया। तो ऐसे ऐसे लोग दुनिया में होते हैं, और वो क्या कर देते हैं, मानवता को जिंदा रखते हैं। इसके लिए भगवान महावीर स्वामी ने आज 3rd अध्याय के प्रथम गाथा में, प्रथम सूत्र में कहा है कि मानव हो तो मानवता को सबसे पहले जिंदा रखो। इंसानियत पहला धर्म है इंसान का, इंसानियत पहला धर्म है इंसान का। फिर पन्ना खोले गीता और कुरान का, फिर पन्ना खोले गीता और कुरान का। धर्म बाद में है, पर पहले, सबसे पहले आदमी के भीतर क्या होनी चाहिए, मानवता होनी चाहिए। और वो मानवता ही क्या है, श्रेष्ठ धर्म है, वही धर्म है। और आजकल मानवता थोड़ी क्या होती जा रही है, लुप्त होती जा रही है, बोथट होती जा रही है, थोड़ी कम होती जा रही है। सामने दुर्घटना घटती हुई देखते हैं, पर लोग आगे बढ़ जाते, कौन झंझट में पड़े, सरकार के चक्कर में कौन पड़े, वो लोग आगे निकल जाते हैं। परंतु जितनी मानवता आज कम हो रही है, उतना मोक्ष हमसे दूर जा रहा है। 5वें आर्य में मोक्ष क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि मानवता कम हो रही है, नष्ट हो रही है। तो उस मानवता को जिंदा करना, ये हमारे 3rd अध्याय में हमें बताया गया है। फिर कहा गया है कि दूसरा श्रेष्ठ दुर्लभ अंग है सम्यक श्रवण, सुनना, सत्य बातें सुनना सबसे दुर्लभ है। क्योंकि आदमी जो है वो सुनना तो बहुत चाहता है, परंतु खुद की प्रशंसा सुनना चाहता है, कहीं भी सुनना चाहता है, पर कहीं अपनी प्रशंसा हो तो कान क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। प्रशंसा सुनता है, और कभी किसी की निंदा चालू हो गई तो भी कान क्या हो जाते हैं, उस तरफ लग जाते, अरे कहीं क्या होता होता थे उरा बदल उन भाई बदल थे कहीं क्या होता होता मने ना पूरा सुनू नहीं आयो। किसी की निंदा हो तो कान क्या हो जाते हैं, सुनने के लिए आतुर हो जाते हैं। परंतु हमें क्या करना है, भगवान कहते हैं सम्यक श्रवण करना है, सत्य बातें सुनना है, जो हमें सत्य से परिचित कराती है ऐसी ही बातें सुनना है। और उसका सबसे श्रेष्ठ माध्यम है सत्संग। और सुनने से ही किस में पाप है, किस में पुण्य है, क्या छोड़ने योग्य है, क्या पकड़ने योग्य है, यह हमें क्या मिलता है, सुनने से ही पता चलता है। परंतु लोग क्या करते हैं, सुनते समय भी अलग अलग प्रकार के अर्थ निकाल लेते हैं, अपने ढंग के अर्थ निकाल लेते हैं, उसमें भी बहाने निकाल लेते हैं। और कुछ कुछ लोग तो विपरीत अर्थ निकाल लेते हैं, कुछ कुछ लोग कैसे होते हैं, विपरीत अर्थ लगा लेते हैं। एक बार एक कथावाचक थे,
वो एक गांव में गए, छोटे से गांव में, और उन्होंने महाभारत की कथा कही। वहाँ पे क्या कहा, महाभारत की कथा कही, गांव वालों ने कथा सुनी, पर जिस परिवार ने उनको बुलाया था तो कथावाचक ने जाते जाते पूछना चाहा कि मैंने इतनी बड़ी कथा कही उसका क्या अर्थ आपको समझा। तो उस माली वो जो चौधरी थे, मेन चौधरी थे, वो उठकर खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि आपने कथा तो बहुत अच्छी की, पर आपने थोड़ी आने में क्या कर दी, देर कर दी। तो भैया कैसी देर कर दी मैंने, तो कहा कि आपने क्या कहा कि महाभारत में युधिष्ठिर ने क्या कर दिया था कि जुए में अपने पत्नी को भी दाव में लगा दिया था, ये बात मुझे पता ही नहीं थी, अगर ये पहले मुझे पता होती तो मैं भी अपनी पत्नी को क्या कर देता, जुए में दाव में लगा देता। तो उनकी पत्नी बाजू में ही बैठी थी, उनको पूछा, चौधरानी जी आपने क्या सुना, क्या समझा, आपको क्या ध्यान में आया? तो कहा कि अब तो मैं बुढ़िया हो गई। क्या कहा, आपने आने में देर कर दी, अब तो मैं बुढ़िया हो गई, आप पहले आते, महाभारत की कथा सुनाते तो मैं भी द्रौपदी की तरह पांच पति करके सती कहलाती, मैं भी क्या कहलाती, सती कहलाती। इस तरह से अर्थ निकाल लिया और फिर बच्चों को पूछा कि भाई माँ बाप ऐसे, तो बच्चों को भी थोड़ा सा टेस्ट किया जाए, उनको भी पूछा था, तो उनको पूछा, भाई बच्चों को पूछा आपने क्या अर्थ ग्रहण किया, तो कहा आपने थोड़ी सी देर ही कर दी आने में, अभी अभी हमारे प्रॉपर्टी के बंटवारे हुए, आप अगर पहले आते, ये कथा पहले सुना देते तो जैसे दुर्योधन ने पांडवों को एक इंच भी जगह नहीं दी, वैसे हम भी अपने भाइयों को कुछ भी नहीं देते और सारी प्रॉपर्टी अपने पास ही रख लेते। कथावाचक ने सर को हाथ लगाया, ये मैंने कथा सुनाई पर इसमें से इन्होंने भी कथा ही कर ली है, कथा का विपरीत अर्थ लगा लिया है, ऐसी कथा सुनाने से कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह से लोग क्या कर लेते हैं, विपरीत अर्थ निकाल लेते हैं और अर्थात अनर्थ आणि भागवताचा चिंध्या हो जाती है। तो इसके लिए सुनते समय सम्यक श्रवण होना चाहिए, सत्य बातें ही सुननी चाहिए, और सुनने के बाद तीसरा दुर्लभ तत्व बताया श्रद्धा, उसके ऊपर श्रद्धा जमनी चाहिए। हम लोग सुन तो बहुत लेते हैं पर हमारी जो सत्य धर्म के ऊपर श्रद्धा जमनी चाहिए वो अभी तक पूरी जमी नहीं है। अगर जम जाती तो हम यहाँ पे रहते ही नहीं। श्रद्धा बहुत जरूरी तत्व है और जो श्रद्धा रखता है किसके ऊपर, सत्य बातों के ऊपर श्रद्धा रखना, कहीं पर भी कहीं पर चेन निकल रही, सोने की चेन निकल रही है तो ऐसी ऐसे लोगों पे श्रद्धा नहीं रखना, जो गंडा देते हैं, ताबीज देते हैं, अंधश्रद्धा में उलझाते हैं, ऐसे लोगों के कभी भी श्रद्धा नहीं रखनी है, क्योंकि ये श्रद्धा हमें भटकाने वाली है। और जो सत्य बातों के ऊपर श्रद्धा रखते हैं वो क्या हो जाते हैं, संसार से पार हो जाते हैं, क्योंकि कहा गया है श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो सच्ची श्रद्धा रखता है उसे ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। और श्रद्धा की श्रद्धा तीसरे अध्याय में आगे बताया है, श्रद्धा परम दुर्लभा, श्रद्धा प्राप्त होना बहुत दुर्लभ चीज है, और एक बार प्राप्त हो जाए तो फिर हमें कहीं भटकाती नहीं है। और चौथी बात इसी अध्याय में, तीसरे अध्याय में चौथी महत्वपूर्ण बात बताई है कि संयममीय वीर्यम, संयम में पुरुषार्थ करना, ये सबसे दुर्लभ बात है। पहली बात क्या है, मानवता को प्राप्त करना, दूसरी श्रुति यानी सम्यक श्रवण, तीसरा है श्रद्धा, सत्य श्रद्धा, और चौथा है संयम में क्या करना, पुरुषार्थ करना। हम लोग बहुत पुरुषार्थ करते हैं, आप लोग बहुत पुरुषार्थ करते हैं, पर किसके लिए, इस शरीर के लिए।
शरीर की सुख सुविधा जुटाने के लिए रात दिन परिश्रम चल रहा है। व्यापार धंधा भी किसके लिए चल रहा है कि अपनी घर गृहस्थी अच्छी चले, परिवार के लोग अच्छे रहे, सब कुछ अच्छा चले, इसके लिए हम क्या करते हैं, बहुत पुरुषार्थ करते हैं। भाई लोगों को कहो कि व्याख्यान में आओ, तो कहते मार्शल अभी तो दिवाली का समय है, सीजन का समय है, हमको तो मरने की भी फुर्सत नहीं, तो व्याख्यान में कहाँ पे आए। बहुत पुरुषार्थ करते हैं लोग, वो भी ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है। जीवन चलाने के लिए पुरुषार्थ करना, आजीविका चलाने के लिए पुरुषार्थ करना, वो जरूरी है। पर भगवान उसके आगे कहते हैं कि बाह्य पुरुषार्थ करते करते आंतरिक पुरुषार्थ की तरफ भी आप अपना व्यवहार करते करते भी ध्यान दे सकते हैं। आपको आंतरिक पुरुषार्थ क्या करना है, तो भगवान महावीर स्वामी ने कहा है कि क्रोध कम करने के लिए पुरुषार्थ करो, अभिमान कम करने के लिए पुरुषार्थ करो। जब अंदर में लोभ कपट का जन्म होता है, उस लोभ को कम करने के लिए भगवान की याद करो और उस लोभ को कम करो। कपिल केवली का अध्याय कल आने वाला है। कपिल केवली ने अपने लोभ को दूर करने के लिए पुरुषार्थ किया। हमारे हरिकेशी मुनि ने क्रोध कम करने के लिए पुरुषार्थ किया। हमारे बाहुबली जी ने मान कम करने के लिए पुरुषार्थ किया। तो हम भी दिन में, व्यवहार में, दिन भर में जब जब भी क्रोध आए, मान आए, माया आए, लोभ आए, तो इन महापुरुषों को याद करें और क्रोध को कम करें। हमारे सद्गुणों को बढ़ाने की हम पुरुषार्थ करें। ये सबसे दुर्लभ तत्व हमारे लिए प्रभु महावीर ने ये चार तत्व बताए हैं, और ये चार तत्व आपने बहुत शांति के साथ, आनंद के साथ सुने हैं, परंतु दिन भर में जब भी प्रसंग आएगा तब आप उसका प्रैक्टिकल करोगे, तो ये सुनना क्या हो जाएगा, आपके लिए सार्थक हो जाएगा। तो आज इस तरह से हमने तीसरा अध्याय में चार बातें देखी है, और अब हमारे सामने है चौथा अध्याय, जो बहुत छोटा सा अध्याय है, और इस अध्याय का नाम क्या है, असंखयम। नाम क्या है इसका, असंखयम। असंखयम यानि असंस्कृत, असंस्कृत। असंस्कृत का अर्थ होता है जिसे जोड़ा नहीं जा सकता। संसार में कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जैसे हमारे पास माला है, माला टूट गई तो हम वापस उसको क्या कर सकते हैं, पिरो सकते हैं। अगर हमारे घर में सोने चांदी की कोई चीज़ है, एक चेन है, वो टूट गई तो उसको हम सोनार के पास जाके वापस जोड़ सकते हैं। कोई सुंदर फ्लावर पॉट है, वो अगर टूट गया तो हम फेविक्विक, फेविकॉल ला के उसको जोड़ सकते हैं। परंतु भगवान महावीर स्वामी ने चौथे अध्याय में कहा है कि असंख्यम जीवियम मापमाये। हे मानव, ये जो जीवन है ये असंस्कृत है। बाकी चीज़ें टूट गई तो जोड़ सकते हैं, परंतु एक बार आयुष्य टूट गया, अब हमारी मृत्यु आ गई, तो इसको, इस आयुष्य को हम वापस जोड़ने की कोई भी हमारे पास बूटी नहीं है, खूटी को कोई बूटी नहीं है। हमारा जीवन बहुत छोटा है, 150 साल का जीवन है, वो अगर टूट गया, वो अगर खंडित हो गया, तो उसको जोड़ने का कोई भी फेविकॉल हमारे पास अभी तक वैज्ञानिक लोगों ने तैयार नहीं किया है। ये जीवन छोटा है, टूट गया तो वापस जोड़ नहीं सकते हैं। इसके लिए जीवन में कभी भी प्रमाद मत करो। जितना जीवन मिला है, जितना आयुष्य मिला है, उसमें क्या करो, सत्कर्म करो, सद्धर्म करो, असद भावना करो, और इस मानव जन्म को क्या करो, सार्थक करो। और इस अध्याय में दो सूक्तियाँ बहुत सुंदर बताई है कि कड़ाण कम्माण न मोक्ष अर्थी। यह जो मनुष्य का जीवन हम प्राप्त करते हैं और इसमें हमें मन, वचन और काया मिलती है, इससे लगातार हम क्या करते जाते हैं, कर्म का बंध करते हैं, और जितने जितने कर्म का बंध करते हैं उनको छोड़े बिना मोक्ष की प्राप्ति होने वाली नहीं है। इसके लिए कर्म करते समय क्या होना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। और उससे बचने के लिए इसी अध्याय में लास्ट में एक बहुत सुंदर सूक्ति कही है, कंखे गुणे जाव शरीर भेय।
जब तक आपका शरीर है, जब तक आपका आयुष्य है, तब तक आप गुणों की क्या करो, आराधना करो, सद्गुणों को प्राप्त करने की कोशिश करो। इस तरह से चौथे अध्याय में सबसे पहले क्या कहा, जीवन असंस्कृत है। इस असंस्कृत जीवन को प्राप्त करके जितने जितने कर्म करोगे उतने भोगने पड़ेंगे, उसके बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होने वाली है। और लास्ट में उपाय बताते हुए कहा कि कंखे गुणे जाव शरीर भे, जब तक शरीर है तब तक, जब तक जीवन है तब तक सद्गुणों की आराधना कर लो तो ये जीवन पाना हमारा सार्थक हो जाएगा, मनुष्य जीवन पाना सार्थक हो जाएगा। और आज हमारे सामने जितने भी लोग बैठे हैं सारे भाग्यशाली है, पुण्यशाली है, धर्म का श्रवण कर रहे हैं, सामायिक कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, आपको जितने भी धन्यवाद दें उतने कम है। ऐसी ही आपकी भावना दिनों दिन बढ़ती रहे, इसी शुभकामना के साथ में विराम लेती हूँ। ओम शांति। हर हर जय जय।